न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर एक घर तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीरें लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर तक पहुँचाने का काम कांग्रेस नेताओं ने शुरू कर दिया है। तो कैसा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संघर्ष, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर एक घर तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को पहुंचाने की रणनीति शुरू कर दी है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीरें लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस नेताओं ने शुरू कर दिया है। यूपी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल संगठन सृजन अभियान के जरिए अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में लगी है। प्रदेश में न्यायिक पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संगठन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी 3 जनवरी से अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास पर हैं। वहीं अब प्रियंका गांधी के द्वारा भेजे गए कैलेंडर को हर एक गांव और हर एक शहर तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए सूबे के लोगों को राजनीतिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी में भेजे हैं। नए साल के इस कैलेंडर को हर गांव और शहर के सभी वार्डों तक वितरित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। हर जिले और शहर कमेटी के लिए उनके आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं। इस कैलेंडर के जरिए कांग्रेस सूबे में हर एक गांव और घर तक पहुंचाने की रणनीति बना चुकी है। कांग्रेस के इस कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड समेत यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरें भी जगह दी गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर कांग्रेस मुखर रही है और जमीन पर उतर कर उन्होंने दुख सुख में लोगों की भागीदारी ली है। इसके जरिए संदेश ही नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण भी साधने की कवायद की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का संघर्ष योगी सरकार को घिरा पाता है या नहीं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।